अगर भारत में टेस्ट ना किए गए तो भारत इटली बन सकता है और भारत में कोरोना वायरस से लाशों के ढेर भी लग सकते हैं, ऐसा कहना है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीव हॉन्ग का। स्टीव हॉन्ग ने अपने ट्विटर पर एक ग्राफ शेयर किया, लिखा कि भारत बहुत कम टेस्ट कर रहा है, 10 लाख लोगों में सिर्फ 102 अफराद के टेस्ट हो रहे हैं। मोदी के लॉकडाउन से कभी पता नहीं लग सकता कि कौन बीमार है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने टेस्ट ना किए तो ये दूसरा इटली बन जाएगा। पाकिस्तान के हवाले से प्रोफेसर ने कहा कि पाकिस्तान भी इस मामले में तकरीबन गैर फाल है, लेकिन पाकिस्तान भारत से ज़्यादा यानी 10 लाख में से 191 लोगों का टेस्ट कर रहा है।